आज हम ये वाला पोस्टर बनाएंगे। इसके लिए मैंने 3 कलर की बोल ली है। आपके पास जो अवेलेबल हो आप कोई भी कलर के ले सकते हैं। देखिए एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से और 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 चेन बनाएंगे। लास्ट वाली चेन में अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और एक स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे ज्वाइन कर लेंगे, जोड़ लेंगे। उसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। इन 3 चेनों को भी एक डबल क्रोशे ही काउंट करेंगे। ये एक रिंग बन गई है, देखिए। फिर अपने क्रोशे हुक को इस रिंग के अंदर डालेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम अपने इस रिंग में टोटल 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हमने 12 डबल क्रोशे और एक चेन बना ली। लास्ट में अपने क्रोशे को फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में डालेंगे। जो हमने फर्स्ट में 4 चेन बनाई थी उसमें से थर्ड वाली चेन में डालेंगे और स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे जोड़ लेंगे इस तरह से, देखिए। और फिर एक चेन बनाएंगे और थ्रेड को कट कर देंगे इस तरह से। इसको पुल करेंगे, देखिए क्रोशे हुक की हेल्प से ये जो थ्रेड्स हैं इनको लूप में डालेंगे और हाइड कर लेंगे बैक साइड से, देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से ये बन गई हमारी। तो अब हम नेक दूसरे वूल लेंगे, दूसरे कलर की वूल लेंगे और एक स्लिप नॉट बना लेंगे, देखिए इस तरह से। उसके बाद स्लिप नॉट को जो हमने एक एक चैन बनाई है डबल क्रोशे के बीच में उसके अंदर में क्रोशे को डाल के स्लिप नॉट को भी डालेंगे, देखिए इस तरह से पकड़ेंगे और एक चैन बना लेंगे ऐसे, देखिए एक चैन बना लेंगे। फिर उसके बाद 2 और ये 3 चैने बना लेंगे। फिर इसी के अंदर एक डबल क्रोशे बना लेंगे। ये चैन भी हमारी एक डबल क्रोशे ही काउंट होगी जो 3 चैने हैं। और फिर एक चैन बनाएंगे। ये जो वाला थ्रेड है देखिए इसको इस तरह से इसके साथ साथ बुनते हुए चलेंगे ताकि ये निकले ना। फिर एक चैन बनाने के बाद ये जो हमारा एक चैन वाला स्पेस है ये 2 डबल क्रोशियों के बीच में इसके अंदर अपनी क्रोशे को डाल के 1 डबल क्रोशे और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर एक चैन बनाएंगे इस तरह से, देखिए। फिर दोबारा से ये जो एक चैन वाला जो स्पेस है 2 डबल क्रोशे के बीच में एक और ये इसके बीच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसको भी साथ में बुनते चलेंगे अपने जो थ्रेड को, ये देखिए इस तरह से। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर इनके बीच में डालेंगे अपने क्रोशे हुक को और ये थ्रेड को भी साथ में लेते हुए चलेंगे। 1 और ये 2 इस तरह से और एक चैन बनाएंगे और ये एंड तक हम इसे बनाते हुए चलते हैं। इस तरह से बनाना है। अब ये इसमें एंड तक आ गए हम। उसमें जो हमने स्टार्टिंग में एक चैन बनाएंगे, स्टार्टिंग में जो हमने 1 2 3 चैन बनाई थी उसमें से थर्ड वाली चैन में अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और एक स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। फिर एक चैन बनाएंगे और अपने धागे को कट कर लेंगे, इसे पुल कर लेंगे, देखिए इस तरह से बन जाएगा हमारा ये। और देखिए इस तरह से हमारा बन जाएगा। और क्रोशे हुक की हेल्प से ये धागे को हम ये जो एक्स्ट्रा धागा है थ्रेड है इसको लूप में डालेंगे बैक साइड में और इसे हाइड कर लेंगे इस तरह से।
देखिए ऐसे हाइड करेंगे और एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए हमारा पैटर्न इस तरह से बन गया। अब नेक्स्ट के लिए हम दूसरे कलर की वूल लेंगे। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से, अपने पैटर्न को पकड़ेंगे। ये जो दो डबल क्रोशे बनाए हैं इसके बीच में जो एक चैन बनाई है इसमें अपने क्रोशे को डालेंगे, अपने स्लिप नॉट को लेंगे देखिए इस तरह से, और इसे ऐसे करेंगे, एक चैन बनाएंगे, दो और तीन चैन बनाएंगे, और फिर इसी के अंदर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए तीन चैनों को भी हम एक डबल क्रोशे ही काउंट कराएंगे, और ये दो डबल क्रोशे हो गए इस तरह से, और ये तीसरा डबल क्रोशे हो गया इस तरह से। देखिए तीन डबल क्रोशे बनाने के बाद एक और ये दो चैन बनाएंगे, और ये जो हमारे दो डबल क्रोशे और ये दो डबल क्रोशे के बीच में चैन है उसके अंदर क्रोशे ओको डालेंगे, और ये धागा भी इसके साथ लेते हुए चलेंगे, बुनते चले जाएंगे, और फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे और दूसरा, और ये तीसरा, तीन डबल क्रोशे बनाए इसमें इस तरह से देखिए, और फिर एक और ये दो चैन बनाए, फिर से ये एक चैन वाला जो ये जगह है इसमें एक दो और ये तीन डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से देखिए, और एक ये दो चैन बनाई इस तरह से, हम अपने पूरे राउंड में ये बनाते जाएंगे तीन डबल क्रोशे और दो चैने एंड तक। देखिए इस तरह से हमारा ये बनता चला जाएगा पैटर्न, और ये धागा भी इसमें अब एंड तक बुनता चला जाएगा, और ये बैक साइड से, और ये ऐसे एंड तक बनाते हैं। अब एंड तक बना लिया। अब जो हमने स्टार्टिंग में जो तीन चैने बनाई थी, एक दो तीसरी वाली चैन में अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और एक स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे ज्वाइन कर लेंगे, जोड़ लेंगे, इस तरह से बन जाएगा हमारा पैटर्न, और एक चैन बना लेंगे, और इस थ्रेड को आप कट कर लेंगे, और इसको धागे को थ्रेड को खींच लेंगे, और इसे बैक साइड में लूप में डाल देंगे ताकि ये धागा हाइड हो जाए क्रोशे हुक की हेल्प से। अब देखिए ऐसे बन गया हमारा ये। अब नेक्स्ट राउंड के लिए आप चाहे तो कोई दूसरी डिफरेंट कलर के वूल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये जो बीच में लगाया था सबसे फर्स्ट में जो बीच में इसके, मैं उसी कलर की थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ, वूल का यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी कलर का कर सकते हैं अलग से। तो सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे, फिर अपने पैटर्न को पकड़ेंगे, ये जो दो दो चैने बनाई थी उसके अंदर अपने क्रोशे हुक को डालेंगे, और एक चैन बनाएंगे ऐसे, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच चैन बनाएंगे, और फिर इसी के अंदर एक, सॉरी पांच चैन बनाएंगे। पांच चैन बनाने के बाद देखिए ये जो हमारा एक डबल क्रोशे छोड़ेंगे, और ये जो तीन डबल क्रोशे के बीच वाला इसमें अपने क्रोशे ऊपर डालेंगे, और ये वाला जो पीछे वाला थ्रेड है इसको भी साथ साथ बुनते जाएंगे। इस वाले चैन में अपना डबल क्रोशे, अपना एक डबल क्रोशे बनाएंगे देखिए इस तरह से, फिर दो चैने बनाएंगे, फिर ये देखिए दो दो चैनों वाला जो बॉक्स है, दो चैनों वाली जो जगह है उसमें क्रोशे ऊपर डालेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से देखिए। फिर से एक और ये दो चैन बनाएंगे, और ये जो हमारा एक डबल क्रोशे स्किप करेंगे जो बीच का है उसमें क्रोशे को डालेंगे, धागा भी साथ साथ लेते चलेंगे ताकि हमारा बुन जाए इसके साथ, और एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, फिर एक दो चैन बनाएंगे, और फिर इस वाले में दो चैनों वाले जो स्पेस है हमारा उसमें एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक और ये दो चैने बनाएंगे, फिर एक और ये सेकंड वाले में अपना क्रोशे हुक डाल के एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से हम पूरे अपने राउंड में
एंड तक बनाते जाएंगे। एंड तक हमारा इस तरह से बन गया ये। अब नेक्स्ट के लिए एक और ये दो चैन बनाएंगे। देखिए, जो हमने स्टार्टिंग में 5 चेन्स बनाई थी, उसमें से एक दो थर्ड वाली चैन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चैन में अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और एक स्लिप स्टिच के हेल्प से इसे ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। देखिए ऐसे, और फिर एक दो तीन और ये चार चैन बनाएंगे। चार चैन बनाने के बाद जो ये डबल क्रोशे के ऊपर जो चैन है उसमें क्रोशे हुक को डाल के स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर एक दो और तीन चैन बनाएंगे, अपने पैटर्न को टर्न करेंगे। ये बहुत ही इजी पैटर्न है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं और आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और ये बहुत सुंदर भी लगता है। आप एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, ये बहुत आसानी से समझ में आने वाला। फिर इसके अंदर हम एक, ये जो तीन चैन है इसको भी एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे, फिर 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, दो एक दो तीन चार चार और ये 5 इस तरह से। देखिए फिर इसको टर्न करेंगे। अब हम सीधी साइड में आ गए, जो इसके नीचे, ये देखिए इसके नीचे जो ये डबल क्रोशे बनाया है इसमें हम ऐसे पकड़ेंगे इसको, फिर से 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो देखिए ऐसे, तीन चार और ये 5 इस तरह से। ये देखिए ऐसे। और अब जो है हम अपने क्रोशे हुक को, ये जो जहाँ पे हमने बनाया है यहाँ से, इसके अंदर इस वाले लूप के अंदर डालेंगे और एक दोबारा देखिए क्रोशे हुक को, ये जो इसके नीचे जो ये लूप है इसके अंदर डालेंगे और एक स्लिप स्टिच के हेल्प से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। देखिए हमारा एक पेटल की तरह बन गया, फ्लावर पेटल। फिर से हम एक दो, फिर से हम एक दो तीन चार चैन बनाएंगे और देखिए जो डबल क्रोशे के ऊपर चैन है उसके ऊपर एक स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर एक दो तीन चैन बनाएंगे। अब इसको टर्न करेंगे, बैक साइड में आ जाएंगे और देखिए जो ये हमारा लूप बन गया है चार चैनों वाला, इसी के अंदर अपने क्रोशे हुक डाल के फिर से ये एक तीन चैन एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे, दो हो गए, तीन तीन चार और ये 1 5 5 डबल क्रोशे इस लूप के अंदर हो गए। फिर सीधी साइड आएंगे, इसके नीचे ये जो डबल क्रोशे है इसी के नीचे, इसके नीचे इसमें अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और 5 ऐसे करके देखिए 5 डबल क्रोशे इसमें बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये 5 इस तरह से। देखिए फिर इसको ऐसे करेंगे और जो फर्स्ट में जहाँ पे हमने बनाया था ये तो इसके यहाँ पर अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और एक स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे। देखिए हमारा ये पेटल बनते जाएंगे, फ्लावर पेटल। और फिर से हम 1 2 3 4 चैन बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशे के ऊपर, देखिए जो डबल क्रोशे बनाया था उसके ऊपर एक स्लिप स्टिच के हेल्प से जोड़ देंगे ऐसे। फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे, फिर टर्न करेंगे, ये जो लूप बन गई हमारी चार चैनों वाली इसके अंदर फिर से 5 डबल क्रोशे करेंगे। इन 5 डबल क्रोशे में हम अपनी तीन चैनों को भी काउंट करेंगे एक डबल क्रोशे के रूप में इसके अंदर बनाएंगे, 3 हो गई है, 1 2 3 4
और ये 5, इस तरह से देखिए। और अब हम इसको टर्न करेंगे, सीधी साइड आ गए। फिर ये नीचे जो हमारा एक डबल क्रोशे जहाँ पे बनाया था, इसमें देखिए हम देखिए, फिर हमने 5 यहाँ पे डबल क्रोशे बना लिए। फिर ये नीचे वाले में आ जाएंगे डबल क्रोशे जो ये जहाँ पे बनाया है, ये जो एक इसके ऊपर हम इसको बेस बना के 5 डबल क्रोशे करेंगे। 2, 3, 4 और ये 1, 5 देखिए ऐसे। फिर से इसको जो हमारे फर्स्ट में जो हमने बनाया था ये डबल क्रोशे के ऊपर, इसमें इसको ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच की हेल्प से ऐसे। फिर 1, 2, 3 और ये 4 चैन बनाएंगे। फिर से हम इसको ये जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशे के ऊपर चैन है, इसमें हम एक स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे जोड़ लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। देखिए अब हमें ये ऐसे पूरा अपना ये एंड तक बनाते जाना है। ये पेटल बन गए, फ्लावर पेटल, इस तरह से सब में बनाना है। 4 चैने बनाने के बाद 3 चैन इसके ऊपर और बनानी है, इसको स्लिप स्टिच से जोड़ के। फिर 3 चैन, 1, 2, 3 चैन बनानी है। फिर टर्न करना है इसे, बैक साइड में जो लूप है इसके अंदर हमें डबल क्रोशे करने हैं 5। इसको भी हम एक डबल क्रोशा ही काउंट करेंगे 3 चैनों को, 1, 2 इसको इंक्लूड करके, 1, 2 फिर से 3, 4 और 5 चैन बनाएंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर इसे टर्न करेंगे, सीधी साइड में आ गए। इसके जो नीचे वाला ये डबल क्रोशे बनाया था हमने, इसको ऐसे पकड़ेंगे। फिर इसमें हम 5 डबल क्रोशे करेंगे फिर से 2। ये बहुत ही इजी है, आप एक बार करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा ये। 4 और ये 5, देखिए 5 बन गए। फिर से इसको ये देखिए जो फर्स्ट में हमने बनाया था, फर्स्ट में जिसके ऊपर बनाया था उसी में डाल के हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे जोड़ लेंगे। फिर से 4, 1, 2, 3, 4 चैन बनाएंगे। इस तरह से हम ये पूरा एंड तक बनाते जाएंगे। और देखिए अब लास्ट में आ गए, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे, उसके बाद 1, 2, 3 और यहाँ पे 4 चैन बनाएंगे। फिर से जो हम नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर हम ज्वाइन करते हैं स्लिप स्टिच से, तो नेक्स्ट हमारा ये है, तो हम इसके ऊपर स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करेंगे ऐसे। देखिए ऐसे अपने क्रोशे को डालेंगे इसमें लास्ट वाले में और एक स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। फिर ये जो हमारा 4 चैन वाली लूप बन गई, इसमें फिर हम 1, 2 और 3 चैन बनाएंगे इस तरह से। फिर उल्टा टर्न करेंगे इसको, ये जो हमारी ये जो लूप थी जिसमें हम 5 चैन बनाते हैं, इसको एक गिनेंगे, 2 देखिए, 3, 4 और ये 5, 5 डबल क्रोशे बन गए। और इसको टर्न करेंगे, फ्रंट साइड में आ गए सीधी साइड में। फिर इसके जो नीचे वाली हम इसके ऊपर भी 5 डबल क्रोशे करते थे, इसको बेस बना के 1, 2, 3, 4 और ये 1, 5 इस तरह से हमने 5 डबल क्रोशे किए। और हम इसी वाली में जहाँ ये फर्स्ट जैसे हम बनाते थे उसी वाली में ज्वाइन करेंगे अपने स्लिप स्टिच की हेल्प से, क्रोशे को इसके अंदर डालेंगे इस वाले चेन में और स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर लेंगे, जोड़ लेंगे ऐसे। देखिए ऐसे। फिर एक चेन बनाएंगे,
इस तरह से, और इसे थ्रेड को कट कर लेंगे ऐसे, और इसको फिर ऐसे टाइटली पुल कर लेंगे ऐसे। देखिए इस तरह से बन गया हमारा। अब ये जो धागा है, थ्रेड है, इसको क्रोशे हुक की हेल्प से हाइड कर लेंगे बैक साइड में, लूप में डालते जाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारे पास जो भी थ्रेड हैं, सारी जो थ्रेड्स हैं, आप उसको क्रोशे हुक की हेल्प से या फिर सुई धागे से भी, आप धागा थोड़ा लंबा कट करिए, उसको लूप के अंदर हाइड कर सकते हैं। देखिए ऐसे फिर हमारी बची हुई थ्रेड को हम कट कर लेंगे। देखिए आप भी ये पैटर्न ज़रूर ट्राई करिए, बहुत इजी है। और ये मैंने ये भी बनाया है, आपके पास जो कलर अवेलेबल हो आप उसे बनाइए, जो आपको पसंद हो वो कलर से बनाइए। तो और ये बहुत इजी है और बिगनर्स भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।